सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। किसी अच्छे काम की शुरुआत के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता। कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए। साधन सभी जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए। अच्छे व्यक्ति के साथ संबंध उस गन्ने के समान है जिसे आप तोड़ो, मड़ोरो या काटो, आपको उसे मीठा रस ही मिलेगा। आज का पंचांग 13 फरवरी 2020 दिन गुरुवार, फागुन मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रात्रि 8:45 तक रहेगी। इसके उपरांत षष्ठी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हस्त नामक नक्षत्र सुबह 9:25 तक रहेगी। इसके उपरांत चित्र नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय दोपहर 1:58 से 3:20 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय दोपहर 12:14 से 12:57 तक रहेगा। आज चंद्रमा कन्या राशि पर रात 8:23 तक रहेगी। इसके उपरांत तुला राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर दोपहर 3:18 तक रहेंगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेंगी। कुंभ राशि 13 फरवरी 2020 दिन गुरुवार, घर पर बिताया समय आपको शांति प्रदान करेगा। जीवन की व्यस्तता से बचने के लिए प्रकृति में कहीं शांति से समय बिताएं। आपको अभी माता पिता की देखभाल करने की जरूरत है, खासकर किसी माँ के समान औरत की। कोई क्लास लें या कुछ नया पढ़ें जो आपके लिए रोचक हो। आज आपको विजेता की ट्रॉफी मिलने वाली है, इसलिए इस मौके का सही से इस्तेमाल करें। यह समय प्यार और खुशी की मिठास से भरा हुआ है, बस पूरे दिल से जीवन का स्वागत करें। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। सफल होने का सबसे निश्चित तरीका है हमेशा एक और बार प्रयास करना। व्यवसाय से संबंधित लोगों को कुछ विचार करने की आवश्यकता हो सकती है। आप इस समय हर मुद्दे के फायदे और नुकसान के बारे में सोचेंगे और उसके बाद ही निर्णय लेंगे। अपने साथी या दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए भी यह चरण अच्छा है। आज के दिन आपको कोई ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है जिसे आप कुछ समय से टाल रहे हैं। जितनी जल्दी इस विषय को निपटा लेंगे उतनी ही सहजता से इसका समाधान हो जाएगा। वास्तविकता से आंखें फेर लेने से कोई लाभ नहीं है। कोई भी परिस्थिति में अपने बारे में अवश्य सोचें और निर्णय लेते समय अपराध बोध ना महसूस करें। सावधानियां, आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की आवश्यकता है जो शायद आय के स्रोत से जुड़ा हुआ है। इस समय आप अहंकार छोड़कर किसी उचित आत्म मूल्यांकन में शामिल हो सकते हैं। यह अभ्यास आपको अपनी शक्तियों और सीमाओं के संपर्क में रहना सिखाएगा। लव लाइफ की बात करें तो अपने पार्टनर से अपने दिल की बात शेयर करना आज ना भूलें। रुपया पैसा संपत्ति संबंधित मुद्दे भी आपका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। अपने कौशल और बेहतरीन रवैये से आप लोगों को पूरी तरह से संतुष्ट करेंगे। आज के दिन खुशियों और स्नेह से भरा है। अपने साथी को गले से लगाएं और उसे धन्यवाद दें। अपनी मोहब्बत के साथ दूर का भी योग है, इसीलिए आज से अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें और जीवन के खास पलों को एक साथ जिए। करियर की बात करें तो अगर आप बिल्डर्स हैं तो आज आपको मिलने वाले पाइपलाइन से संबंधित असाइनमेंट आपके विकास के मार्ग में मील का पत्थर साबित होगा। घरेलू मामलों, मरम्मत और नवीनीकरण में भी धन की आवश्यकता पड़ सकती है, इससे आपको जीवन जीने का नया नजरिया मिलेगा। आप सफलता और प्रतिष्ठा के रास्ते पर हैं। आज आपको वो अवसर मिलेंगे
जिनका आप इंतजार कर रहे थे और आप अच्छे से जानते हैं कि आपको शीर्ष पर पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए। सेहत की बात करें तो अच्छा, आपको कुछ नए तरीके खोजने की आवश्यकता है, जिससे आपको व्यायाम का रूटीन बोर ना लगे। जिम में भी आपको महसूस होगा कि रोज आपकी मेहनत करने की ताकत कम हो रही है। क्यों ना आप अपने दोस्तों के साथ व्यायाम करें, इससे आप दोनों एक दूसरे की ऊपर नजर रख सकते हैं। आज का उपाय, आज आप केले के वृक्ष में जल अर्पित करें और पूजा करें। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।